अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 32वें एपिसोड में इंश्योरेंस मैनेजर अभिषेक झा हॉट सीट तक पहुंचे। अभिषेक पंजाब के रहने वाले हैं। शो में अभिषेक ने बताया कि वो बचपन से ही हकलानी की समस्या से जूझ रहे हैं, इस कारण उन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिषेक अभी शो में बने हुए हैं और उन्होंने 6,40,000 रुपए की धनराशि जीत ली है। अभिषेक के पास अभी 2 लाइफलाइन बची हुई है। इस शो में अमिताभ के अलावा अभिषेक ने भी बिग बी से एक सवाल पूछा। पहले अभिषेक ने बिग बी से सवाल पूछने की इजाजत ली। इजाजत मिलने के बाद अभिषेक पूछते हैं कि भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर एक फिल्म बॉम्बे टॉकीज आई थी और इस फिल्म में आपने खुद अपना ही किरदार निभाया था। इस दौरान फिल्म में जब एक शख्स टैक्सी से आपके घर जाता है तो उसे 5,000 रुपए किराया देना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई स्टेशन से आपके घर तक का सफर 5,000 रुपए है? इस सवाल के जवाब में अमिताभ बच्चन कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रास्ते लंबे होते हैं तो कभी कभी इतना किराया लग जाता है। अमिताभ बच्चन का जवाब सुनकर अभिषेक संतुष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि फिल्म में ऑटो ड्राइवर ने तो कहा था कि अगर किसी खान खन्ना या कपूर के घर जाना होता तो 500 में भी छोड़ देता, लेकिन बच्चन साहब के यहाँ आए हैं इसलिए आपसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। अभिषेक की बातें सुनकर अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति में मौजूद सभी दर्शक जोर से हंसने लगते हैं। न्यूज डेस्क।